A very good morning, all of you children, and a very warm welcome. Hope you all are enjoying and going through the videos and doing in your homework regularly. Now, see students. Coming to page number 15. Look here. Let's recall. रिकॉल मतलब क्या, चैप्टर नंबर क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 3 है. आज हम कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं, HCF एंड ELCM. अब इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, रेट्स रिकॉल मतलब क्या, आपने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो कुछ पढ़ा है HCF और ELCM के बारे में, उसके बारे में अभी हमें सिर्फ जानकारी या रिविजन लेनी है. HCF कौन से नंबर्स का निकलता है, HCF कैसे निकालते हैं, ELCM कैसे निकालते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने आपको रिवीजन के तौर पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वही पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. देखिए यह पहला टॉपिक है हमारा HCF. HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लुक हियर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, सबसे बड़ा फैक्टर. जो कॉमन फैक्टर्स वहाँ पे आते हैं, मतलब HCF निकालते समय, और उस कॉमन फैक्टर में जो बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो होता है उस नंबर्स, उन नंबर्स का HCF. देखिए टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर, अगर आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं और उन नंबर का अगर आपको HCF निकालना है, तो वी मेक अ लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उन नंबर्स के आपको फैक्टर्स की लिस्ट बनानी पड़ती है, एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर. और फिर उसकी लिस्ट बनाने के बाद जो कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द, उनमें से आपको ग्रेटेस्ट नंबर क्या करना होता है, ढूंढना होता है. देखिए अब क्या है फर्स्ट इसमें, अब हम एग्जांपल के साथ देखेंगे. एग्जांपल मैं जैसा एक्सप्लेन करती हूँ उससे आप क्या करना है, आपको समझना है. देखिए एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर. नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, उनका आपको HCF ड्रॉ निकालना है. पहला है 20 एंड 50. अब 20 एंड 50 आपको क्या करना है, इनका फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स लिखने हैं, उसके बाद 50 के फैक्टर्स लिखने. अब 20 के फैक्टर्स मतलब क्या, कि 20 को जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है वो फैक्टर्स दिए. देखिए यहाँ पे 1 है, हर एक नंबर का कोई भी नंबर हो उनका 1 फैक्टर होता ही होता है. देखिए 1 2 से भी 20 को डिवाइड होता है, 4 से होता है, 5 10 एंड 20 इज द बिगेस्ट फैक्टर, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर. अब 50 के फैक्टर उसी तरीके से 1 2 5 10 25 50. देखिए अब ये जो मैंने फैक्टर्स निकाले हैं, इन फैक्टर्स में से, इन दोनों में मतलब 20 और 50 के बीच में कौन कौन से कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन फैक्टर दोनों में चाहिए, मतलब 20 का भी चाहिए और 50 का भी चाहिए. तो है 1 1, हम 1 लिखेंगे, 2 2 2 भी लिखा हमने. अब 4 ऊपर है लेकिन 50 के फैक्टर में नहीं, इसलिए वो नहीं चलेगा. लेकिन आगे का 5 और नीचे का 5 है, इसलिए 5 लिखा. उसके बाद 10 है, मतलब कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए, 1 2 5 10. अब इन कॉमन फैक्टर्स में से 1 2 5 10 में कौन सा बिगर है, देखिए मैंने जो बिगर है उसे मैंने बॉक्स किया हुआ है, मतलब हियर ग्रेटेस्ट फैक्टर इज 10, और इसीलिए 10 को कहा जाता है HCF, मतलब वो बिगर है इसलिए. तो फिर HCF ऑफ 20 एंड 50 क्या, 50 का क्या आएगा, 10 इज द HCF. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फैक्टर्स ऑफ 81, फैक्टर्स ऑफ 99. अब फैक्टर्स ऑफ 81 के क्या है, 1 3 9 27 81. 99 के फैक्टर्स 1 3 9 11 33 99. अब कॉमन फैक्टर्स 1 1, उसके बाद 3 3 9 9. देखिए अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए, 1 3 9. अब ऑन द कॉमन फैक्टर्स 81 एंड 99. अब 99 और 81 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं,
नाइन इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर, इन कॉमन फैक्टर्स में से नाइन सबसे बड़ा है, इसीलिए वो क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है, और इसीलिए वो क्या है, एचसीएफ, मतलब एचसीएफ ऑफ 81 एंड 99 इज इक्वल टू 9। देखिए ऐसे बहुत ही इजी और सिंपल एग्जांपल्स होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क के तौर पर फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, एचसीएफ आपको इन 10 नंबर्स की आपको एचसीएफ निकालने हैं और सॉल्व करने हैं। ओके, अब ये हुआ एचसीएफ के बारे में। अब हम देखेंगे एलसीएम क्या है। एलसीएम, अब एलसीएम मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन करके बता लिखा है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, जब आपको दिए हुए नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है, तब वी राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, तो हर एक नंबर के आपको मल्टीपल्स लिखने होते हैं। एंड फाइंड द लोवेस्ट ऑफ देयर, और मल्टीपल लिखने के बाद उनमें से आपको सबसे स्मॉलर मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वहां से ढूंढ कर लिखना होता है। सेकेंड, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कैनॉट बी बिगर देन देयर प्रोडक्ट। देखिए कौन से भी दो नंबर्स का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के प्रोडक्ट से बड़ा नहीं होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या, जो आपको दो नंबर दिए जाते हैं ना उनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या होना चाहिए, आपका एलसीएम होना चाहिए। देखिए अब हम एग्जांपल पहला देखेंगे, फाइंड द एलसीएम 13 एंड 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल मतलब क्या, 13 टाइम्स टेबल। 13 टाइम्स टेबल इज इक्वल टू 13 वन्स आर 13, 13 टूज आर 26, 13 थ्री जार 39, 13 फोर जार 52, 13 फाइव जार 65, 13 सिक्स जार 78, 13 सेवन जार 91। देखिए डैश 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 मतलब 13 का टेबल हम आगे तक लिखेंगे। तो किसी तरीके से 6 टाइम्स टेबल, 6 वन जार 6, 6 टू जार 12, 6 थ्री जार 18, 6 नाइन 6 10 जार 60, 6 6 जार 11 जार 66, 6 12 जार 72, 6 13 जार 78, 84, 90, डैश डैश डैश। देखिए अब इन फैक्टर्स में से लीस्ट ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 13 एंड 6, 78 इज, अब इन फैक्टर्स में से सबसे स्मॉलर मतलब क्या, दोनों के टेबल में चाहिए ऐसा स्मॉलर फैक्टर कौन सा है, बिगर नहीं स्मॉलर फैक्टर, तो कौन सा है वो 78। इसीलिए 78 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या 13 और 6 का एलसीएम क्या है 78। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 16 एंड 24। देखिए 16 टाइम्स टेबल, 16 टू जार 32, 16 थ्री जार 48, 16 फोर जार 64, डैश डैश डैश। 24 टाइम्स टेबल, 24 वन जार 24, 24 टू जार 48, 24 थ्री जार 72। देखिए अब यहाँ पे हमें 48 सबसे स्मॉलर फैक्टर मल्टीपल मिला है, इसीलिए लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 16 एंड 24, 48 इज द कॉमन लोवेस्ट मल्टीपल, मतलब 48 क्या है कॉमन लोवेस्ट मल्टीपल। इसका मतलब क्या, एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इज इक्वल टू 48। ओके, देखिए ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो एग्जांपल्स आपको क्या करने पड़ते हैं सॉल्व कर। ध्यान में रखिए एचसीएफ में आपको बिगेस्ट फैक्टर ढूंढना है और एलसीएम में आपको लोवेस्ट मल्टीपल चॉइस करना है या ढूंढना है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए और ध्यान से एग्जांपल सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैंने होमवर्क के तौर पर कुछ 6 एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल्स के आपको एलसीएम निकालने। देखिए एचसीएफ का भी होमवर्क दिया है, एलसीएम का भी होमवर्क दिया है, दोनों का एग्जाम दोनों का होमवर्क केयरफुली सॉल्व करना है। ओके, अगले ऑनलाइन वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे।